भड़क रहा है, देख ले तो आग लगा दे आग। ये शोला तो हमारे यहाँ ही भड़कना चाहिए। ले जा रहे हो बोट में? बताओ बोट में है क्या? प्रॉन्स, फीमेल प्रॉन्स। सरेंडर, मैंने कहा सरेंडर हो जाओ। चलो उस बोट पर। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग को हमने अरेस्ट किया है। ये लड़कियों को किडनैप करके दूसरे देशों में इन्हें नीलाम कर देते हैं। इन किडनैपिंग्स की रिपोर्ट यहाँ नहीं लिखवाई जाती क्योंकि देश और विदेश से आई बहुत सी लड़कियाँ बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए गोवा घूमने आती हैं। इन्हें किडनैप करने वाले क्रिमिनल्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। इन लड़कियों के किडनैप होने की पेरेंट्स को भनक तक नहीं लगती और इसी वजह से ज्यादातर कंप्लेंट्स रिकॉर्ड ही नहीं होती। लेकिन बहुत जल्द ही इन रैकेट्स को चलाने वाले मास्टरमाइंड को ढूंढकर हम इनका पता लगा लेंगे। इतना जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम मकरंद कामाटी है और ये बंदरगाही मेरा अड्डा है। अनगिनत फिशिंग बोट्स का मालिक हूं मैं, बादशाह हूं मैं इस बंदरगाह का, मगर ये तो अपना पार्ट टाइम जॉब है। मेरा मेन बिजनेस तो ड्रग्स का है और साथ में जल परियों का भी। मैं ये धंधा तब से कर रहा हूं जब अपनी मां के पेट में था, और आज ये साला 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझे मारने आया है। मार दूंगा साले। मार। या और किसी को ईमानदारी के कुत्ते ने काटा है? एजाज, पुलिस वाले को मारने से लफड़ा हो सकता है, इसे एक जिंदा लाश बना के तड़पने के लिए छोड़ दे। ए, पलटो इसे, पलटा इसको। भाई की मारेगा, भाई की मारेगा तू। इधर रहता है ना छोटा दिमाग, हा? साले तुम पुलिस वालों ने भी मेरा बहुत दिमाग खराब किया है। बड़े बड़े कमीने होते हैं इस दुनिया में, मगर मैं उन सब का बाप हूं। Thank you.
I'm a traveler, man. Give me the money. I don't have any money. Wallet. Trust me, boss. I don't have a wallet. Check him. Nothing is there. What the hell, man? You don't have 1 euro? Not even a cent? No. Take care, man. Let's go. मार खाने की फीस नहीं देगा? आई वॉन्ट मनी. What the hell is going on? I said I want money. Hey! Indian से पंगा नहीं लेते. चल पैसे निकाल. Leave him. कहाँ छुपा के रखे हैं? Only 10 euros? बिकाये साला. मार खाएगा या पैसे देगा? मनी. I'm sorry. Do you have money? Wallet? No money. Wallet? No wallet. No? No. Wallet. Take this. Thanks. Is this Jeep yours? Yes, man. They mugged me and tied me up. Oh, thanks. This wallet is mine, sir. Yours? Yeah. Take it. Oh, thanks. Hey! Take care, boys. Okay. Have a great day. Bye. Thanks. अगली बार जब पैसे मांगो तो जरा प्यार से मांगना. जल्दी से कोई नौकरी ढूंढनी होगी. I am Varun. I need a part-time job. Thank you so much. उम्मीद है कोई जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगा. कोई भी नौकरी कर लूंगा यार. बॉम्ब है. जाएगी. हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे.
नंबर। किसका नंबर? प्लीज मेरे भाई को फोन कीजिए, मुझे उससे बात करनी है। हाँ, हाँ, प्रिया फोन दे। लेना ना देना, हम इसमें फंस जाएंगे। बेकार की बातें मत कर, फोन दे। हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते। अपने भाई का नंबर बताओ। 6246 311 4 2 4 4 2 4। लगता है गलती से अपना नंबर दे दिया है। प्लीज अपने भाई का नंबर बताओ। मॉम, डैड, भाई, बहन, मैं कोई भी बन सकता हूँ। नंबर के लिए थैंक्स, कल फोन करके बताता हूँ डेट पर कहाँ जाना है। झूठे धोखेबाज, निकलो कार से, निकलो बाहर। यू स्टूपिड इडियट, हम फूलों को फूल बना रहा है? नादान बालिके, अगर मैं डायरेक्टली नंबर मांग लेता तो क्या तुम मुझे नंबर देती? कभी नहीं देती। वही तो, तुम जैसी एवरेज दिखने वाली लड़की मना कर सकती है तो ये तो फिल्म स्टार जैसे दिखती है, ये नंबर कभी देती? तेरी तो। जाने दे, जाने दे। प्रिया थोड़ी गुस्से वाली लगती है, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, जैसे मैं बता ही दूंगी, कहो तो अपने घर का एड्रेस भी बता दूं। ओह, मतलब तुम्हें भी गुस्सा करना आता है? जस्ट शट अप। मेरा नाम वरुण है। अरे रुको, नाम तो बता दी जाओ। अरे प्लीज यार, प्लीज पेट नेम तो बता दो, प्लीज प्लीज। ओ हेलो, अच्छा कहाँ रहती हो ये तो बता दी जाओ, कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? गेट लॉस्ट। यस, आई एम लॉस्ट। कृष्णा, आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मेरे पल्ले नहीं पड़ता। जब मुझे यहाँ का बॉस बना दिया है तो फिर मुझे इंडिपेंडेंटली काम करने दो ना। कोई भी ऐरा गैरा मेरे काम में अपनी नाक क्यों घुसेड़ता है? कृष्णा, यू ट्रस्ट मी और बना दो मुझे यहाँ का ट्रस्टी। पूरी की पूरी दुनिया को कृष्णमय कर दूंगा। रुक्मणी, रुक्मणी। स्वामी। काम मर गई। स्वामी। कितनी बार समझाऊं, अपने स्वामी के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेना तुम्हारा धर्म है। क्षमा कीजिए स्वामी। यूज़लेस फेलोशिप, बच्चियां कहाँ हैं? वो आपने बुलाया पापा? हाँ, टाइम पास करने के लिए बुलाया। तुम्हारे पैर छूकर तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। प्रणाम पिताश्री। हाँ, सिर्फ बॉडी से रिस्पेक्ट नहीं, माइंड से दिखाओ। तुम्हारी यूज़लेस निकम्मी बहन कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड को रिसीव करने गई है। फ्रेंड? बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड? हाय अंकल। हाउ यू बेटी, व्हेन यू केम? बस आज ही आई हूं। एवरीवन कुशल मंगल एट होम? सब बढ़िया है, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओह, फर्स्ट यू प्रणाम डूइंग। इसे कहते हैं संस्कार भारती। हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसकी तरफ क्या देख रही हो? हम दोनों का आशीर्वाद मतलब मेरा और लॉर्ड कृष्णा का। आओ तुम भी आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। एक महीने के अंदर तुम्हारा विवाह हो जाए। तू शादी कर रही है? इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। पापा मेरे लिए 100% वेजिटेरियन ब्राह्मण लड़का देख रहे हैं, पूरा दिन इसी बात की रट लगाए रहते हैं। तो कर लेना, प्रॉब्लम क्या है? शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या कहा? मुझे किसी से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? तुम्हारे पापा मान जाएंगे? सपने में भी नहीं, उन्हें पता चला तो मर्डर कर देंगे। तो तुम उनसे बात कब करोगी? मैं नहीं, तुम करोगी। मेरे पापा तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालते हैं। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, मुझे नहीं पता कैसे, पर तुम्हें उन्हें कन्विंस करना है। थैंक यू सो मच सेनोरिटा। हेलो वरुण। यस। पार्ट टाइम जॉब? यप। कम टू इबेलोना 10th स्ट्रीट। श्योर, थैंक्स। आई गॉट अ पार्ट टाइम जॉब मैन। दैट्स गुड। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? हरिदास। हरिदास? कहीं नाम की तरह वो पुराने जमाने का तो नहीं है? हे, ही इज अ सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, और उसका अपना एक रॉक बैंड भी है, पता है? अब रुको, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ भी पहुँच गए? ओ यार, बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, गेट आउट। हेलो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मेरा लक अच्छा है, मुझे डिलीवरी करने का मौका मिला। किस चीज की डिलीवरी? यहाँ श्रिया कौन है? प्रिया की बहन है। श्रिया? हे, रुको। अरे रे 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 रे। यहीं रुको, मैं श्रिया को भेजती हूँ। वो तो ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है? श्रिया। हाँ, अपनी डिलीवरी कलेक्ट कर लो। मैं ही श्रिया हूँ, बताओ कहाँ साइन करना है? तुम्हें वो पसंद है?
तुम्हारी बहन है? बड़ी बहन जैसी है। नाम क्या है? हयाती। हयाती? ये कैसा नाम है? जैसा भी है। ए हाथी, मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया है। It's not हाथी, it's हयाती। वही तो, हाथी। It's हयाती। दफा हो जाओ यहाँ से। ओहो, तुम्हारी बहन का गुस्सा बहुत तेज है। इसमें कोई क्या कर सकता है? रोज एक पिज्जा ऑर्डर करो तो। अगर फ्री में दोगे तो सोच सकती हूँ। फ्री में पिज्जा दूं या ना दूं, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। अगर उससे और बात की तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। जल्दी करो प्लीज। ओके, 5 यूरोस। बाय। गुरु, ये लड़कियां इतनी नकचड़ी क्यों होती हैं? दिखने में तो मासूम और क्यूट लगती हैं, गलती से हाथ लगा दो तो कुत्ते की तरह घुर्राने लगती हैं। होपलेस। इंडियन लड़कियां तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है, उनसे दोस्ती करना नामुमकिन है। दोस्ती करना मतलब सुख चैन गंवाना। इंसोम्निया, पहले नींद उड़ जाती है फिर मेमोरी लॉस। अरे रोज जो काम करता हूँ वो करना मैं भूल जाता हूँ। व्हाट इज दिस? किसी ज्ञानी पुरुष ने एकदम सही फरमाया है, जितना ऑर्डिनरी फिगर उतना ही ज्यादा एटीट्यूड। दिमाग का भुर्जी बना दिया। कितना भाव खा रही थी, नाम तक बताने से इनकार कर दिया उसने। मानो उसका नाम किसी FBI की लिस्ट में हो। जब मैंने कहा उसका नाम हाथी है तो कहती है हयाती है, हयाती। अरे यार, what happened? Don't worry brother, it's a mild heart attack. Okay man. वैसे कितना मजा आता अगर तुम्हें थोड़ी हिंदी आती। मर्द के दिल का दर्द मर्द ही समझ सकता है। I need you to swim. स्वामी। पापा आज अच्छे मूड में दिख रहे हैं, टाइटैनिक देख रहे हैं। इससे पहले कि मूड खराब हो उनसे बात कर लो ना प्लीज। मैं बात करती हूँ उनसे, तुम्हारे जहाज को डूबने नहीं दूंगी मैं। सच में? टाइटैनिक देख रहे हैं अंकल? यस बेटा। आप इसे पहली बार देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 25 बार देखा है। इसका मतलब आपको लव स्टोरीज बहुत पसंद है ना? मुझे? हाँ। I hate love stories. फिर भी आपने इसे देखने की सिल्वर जुबली मना ली? टाइटैनिक को डूबते हुए देखना, उसमें सवार लोगों को पानी में गुलाटियां खाते हुए देखना मुझे पसंद है। इस फिल्म का यही सीन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। दुनिया के हर आदमी को दूसरों की नैया डूबती हुई देखना अच्छा लगता है। एक सुहाना सफर का सपना लेकर कुछ लोग टाइटैनिक पर सवार हो गए, लेकिन बदकिस्मती से जैक और रोज नाम के दो मनहूस लवर्स वहां पहुंच गए। झप्पी पप्पी, नाच गाना, ड्रॉइंग श्रॉइंग करते रहे दोनों इडियट्स। उन्हीं दो पापी लवर्स की वजह से टाइटैनिक डूब गई। अब उनकी क्या गलती थी? तो क्या मेरी गलती थी? क्या मैंने जहाज डुबाया? बोलो। बेशर्म हीरो और हीरोइन कार में घुस जाते हैं और कार में गंदी गंदी हरकतें करते हैं। चलो ठीक है। बात वहीं खत्म नहीं होती, फिर ऊपर जाते हैं डेक पर, शर्म लिहाज छोड़कर खुली हवा में रोमांस करते हैं ओपनली। ड्राइवर उन्हें देखने में बिजी, बेड़ा गर्क, ठोक दी टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से। सर्व सर्व सर्वनाश कर दिया पूरी इंसानियत का। ये सब कुछ उन मनहूस प्रेमियों की वजह से हुआ। सिर्फ टाइटैनिक नैया नहीं, कई फैमिलीज की नैया डूब गई। इससे एक सीख लो, लव शव के चक्कर में मत पड़ो और ना ही किसी बेवकूफ को पढ़ने दो। मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है, तुम उनसे सबक ले सकती हो। अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं 100% बैड लक। टाइटैनिक का डायरेक्टर अगर मेरे पापा की बातें सुन लेता ना तो वो पक्का ही सुसाइड कर लेता, या फिर बिना लवर्स की टाइटैनिक 2 बनाता। इट्स नॉट हाथी, इट्स हयाती। इससे तो अच्छा था कोई इजी नाम रख लेती। ऐसा टंग ट्विस्टर नाम रखोगी तो दिमाग तो ट्विस्ट होगा ही ना। तुमसे कुछ बात करनी है। बको। क्या तुम मेरा नाम जानती हो? मुझे नहीं जानना। ओ, पता नहीं क्यों पर तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता। मेरा नाम वरुण है, आई एम अ ट्रैवलर। हिप्पीज के बारे में सुना होगा ना, मैं वैसा ही कुछ हूँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमता रहता। I am a free soul. मेरे पीछे कोई नहीं है और आगे सिर्फ तुम दोनों। जब से तुम्हें देखा है सो नहीं पाया, छोटे छोटे हार्ट अटैक। नहीं सुननी तुम्हारी और चीप स्टोरीज। इफ यू डोंट माइंड, एक छोटा सा फेवर चाहिए। भौंको। आई वॉन्ट टू किस यू। क्या कहा? I need a deep lip kiss.
देख क्या रही है पागल, एक खींच के दे इसे। क्यों मारा मुझे? तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या कहा? एक किस ही तो मांगा। सिर्फ एक किस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की से ऐसे बात करने की? संस्कार नाम की चीज ही नहीं। ओह, वन मिनट। वाह। एक्सक्यूज मी। व्हाट? हाय, आई एम वरुण। या? डू यू नो आई एम फॉलोइंग यू फॉर द लास्ट 4 days? फॉलोइंग मी? यप। क्यों? बिकॉज आई फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। आई फील लाइक आई वॉन्ट टू किस यू। किस मी? नो वे, आई कांट किस यू, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। सॉरी। Thanks for asking me, Varun. I feel it's like a compliment. Well, I can't kiss you, but I can hug you. Do you want a hug? Yeah. Dekhi koi cheez chhodta nahi hu main. Thank you, Varun. Yeah. Bye-bye. Take care. Bye. To aap batao, usme sanskar nahi hai, mujhme nahi hai, ya phir tumme nahi hai? तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो ये शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें किस करने की रिक्वेस्ट की। हाँ, मेरा हरिदास कल रात ही एक शो करके इबिजा से लौटा है। शो करके लौटा? हाँ। शो में करता क्या है वो? सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, वही जो और डीजे करते हैं। क्या बात है, डीजे है? He's a star. वाओ। ए, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? सुबह से 100 बार पूछ चुकी हूँ, पटाखा लग रही हो। ए, मेरे हरी से बहुत प्यार से बात करना बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है उसे। हाँ, बड़ी फिक्र है हरी की। मैं बड़े प्यार से उसकी रैगिंग करूंगी, कुछ आसान सवाल पूछूंगी बस। ओके ओके। जरा उसे तो देखो, जंगली भैंसा जैसा दिख रहा है, 3 किलो के होंठ से हमें फ्लाइंग किस दे रहा है। ऐसी बातें मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड है। He is Hari, Hari Das, my baby. दिमाग तो ठिकाने है तेरा। प्लीज Hayati, I love him. तुम्हें इस आदि मानव से प्यार हो गया है? Hi, my baby. भगवान इसकी रक्षा करना। Come meet my friend. Yeah. मैंने बताया था ना, ये है Hari. Hi, this is Hari. Hari Das. Hi, Hayati. Hayati, nice meeting you. She told me a lot about you. Would you like to go for a drink? Yeah, sure. Come, let's go. My baby, what happened? You were not in touch with me for 2 hours. I was busy practicing. I'm sorry. I missed you. I missed you too. बस भी कर। 2 घंटों से बात नहीं की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों की बिछड़े हैं। पूरे 2 महीने बाद मिल रहे हैं हम। My baby, कितने काले हो गए तुम। ये तुमसे वाकई में शादी करेगा या फिर टाइम पास? हम इंडियंस के साथ ना यही प्रॉब्लम है। उस लफंगी ने पहली मुलाकात में तुमसे किस मांग ली, पता है इसने मुझसे क्या मांगा? शादी के लिए मेरा हाथ। My baby, my sweet, sweet baby. I can't live without you. इतने बड़े बेबी को देखकर मुझे टेंशन हो रही है, तो पता नहीं अंकल पर क्या गुजरेगी। कृष्णा, आपका हर भक्त आपको ब्लैक ब्यूटी और सांवला क्यों कहता है? आपका रंग ब्लैक नहीं है, ब्लू है, रोमांटिक ब्लू। हरे कृष्णा, कहाँ गई थी तुम दोनों? शॉपिंग करने गए थे अंकल। ये क्या है? क्या क्या है पापा? कौन से कलर का टॉप पहना है? ब्लैक। पता है ना मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं। ब्लैक कलर का रुमाल भी रखा तो घर से बाहर फेंक दूंगा। पता है ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। काला रंग प्रतीक होता है शनि का। काले रंग के कपड़े पहनने से उनका प्रकोप लग जाता है। स्टूपिड फेलो, टॉप उतार कर फेंको। हाँ। बेटी, आज इस घर से हर काली चीज को बाहर फेंकवा दो। डोंट हेजिटेट। दुनिया में एक तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को, मेरी ऊंची सोच को समझती है। हाँ। ब्लैक टॉप पर इतना बवाल हो गया, अब काला दामाद देखेंगे तो प्रिया, I can't tell, he'll kill me. मैं नहीं जानती कि तुम ये सब कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें ये करवाना होगा। मैं Hari के बिना नहीं रह सकती। My baby. भाई, स्पेन से अमो का फोन है। हाँ अमो, बोल।
माल आ चुका है, वैन में लोडेड है। डिलीवरी कहाँ करनी है? लिखो। टेल मी। अलेंडा सियारा 29 पुजो। डिलीवरी के वक्त कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वहां से तेरे लिए रिटर्न फ्लाइट की टिकट का इंतजाम करा दूंगा। ओके। अमो बी केयरफुल, पुलिस की नजर तेरे पे। ठीक है। क्या कहा? तुम्हारी बहन को प्यार हो गया? इतनी रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद वो एक अफ्रीकन लड़के से शादी करने के सपने देख रही है, और ये हयाती उसकी मदद भी कर रही है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें लगता है पापा मान जाएंगे? कोई चांस ही नहीं है। खुद अगर भगवान कृष्ण भी आ गए ना तो भी वो नहीं मानेंगे। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? कोई यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है, उसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। अमू? हाय, आई एम वरुण। तुमने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? या। वो वैन देख रहे हो, इस एड्रेस पर पहुंचानी है। कूल। 50 यूरोस। हाँ। 29 पीजो स्ट्रीट। ओके। कोई गलती मत करना। थैंक्स। चले। ये लड़की कौन है? मेरी दोस्त है। इसे भी ले जाएगा? तुम्हें क्यों जानना है? मैं इसके बिना नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। मुझे एड्रेस पता है। जानती हो? किस तरफ? लेफ्ट 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 लेफ्ट। सियारा? या। Carrying guns. What? I saw the gun. Show me. क्या चल रहा है? हाँ? तुमने मुझे हायर किया तो पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ? तेरा काम हो गया ना? अब कल्टी मार, चल। मुझे देखना है इस बॉक्स में क्या है। ये क्या है, शुगर या ब्राउन शुगर? तुमने इसमें कोकेन रखी है? पुलिस को फोन करो। हाँ। ए, 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 रुको रुको। फ्री में शो देखने आया क्या? फाइट नहीं करनी है तुझे? अबे उठ ना, बहरा है क्या?
Hey! अरे यार, ये क्या? पुलिस की एंट्री हो गई। इस मुक्के का जवाब देने का मौका नहीं मिला। सांड कहीं का। Everybody down, don't move. If anybody tries, I'll shoot. कौन है वो? वो उसे नहीं जानता। तो फिर उसको काम ही क्यों दिया? तुम्हीं ने तो कहा था कि मैं बाहर ज्यादा नहीं घूमूं, इसीलिए तो बुलाया उसे। साले मर। लगता है ऐसे कोई काम ही नहीं। खाली बैठी है। कॉल तो रिसीव कर। क्या है? सुनो, इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। लोकल रेसिडेंट साइन करेगा तो मुझे छोड़ देंगे। प्रिया को यहाँ भेजोगी? तुम पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गए? वो एक ड्रग केस में पकड़ लिया है। वेरी गुड, वहीं पड़े रहो 10-15 साल। क्या है, उसे लगता है वो बुलाएगा और हम आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, हम नहीं आ सकते। ओह, जरा प्रिया को फोन देना। ये ले, जल्दी बको। अगर तुम इसी वक्त अपना पासपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची तो क्या कर लेगा तू? मैं आपके पिताजी को आपकी ब्लैक ब्यूटी के बारे में बता दूंगा। कौन सी ब्लैक ब्यूटी? हरी, हरिदास, आपका ब्लैक बेबी। तुम्हें कैसे पता चला? ये बताओ, आ रही हो या नहीं? सिर्फ पासपोर्ट चलेगा, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए क्या? इसे मेरी बेबी के बारे में कैसे पता चला? चलना पता करते हैं। Do you know him? He's a friend. We like family. Yes, me, Hayati, इसके परम पूज्य पिताजी हरिदास, we are all one big family, right? Okay, you can go. Stupid कहेगी, तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती? तेरी तो? बताती हूँ तुझे। Okay, हमने तुम्हारा काम कर दिया। अब तुम अपने रास्ते जाओ और हम अपने। हिसाब बराबर हो गया, समझे? No more blackmailing. मैं भी इस फाइटिंग से थक गया हूँ। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जरा पलटो, मुझे देखना तुम पीछे से कैसे लगती हो। What? मैं ये नहीं करने वाली। प्रिया, पूरा वक्त शुरू हो गया, इससे कहो कोऑपरेट करे वरना मैं उगल दूंगा। Okay, please पलट जा। अरे क्या कर रही है? देख लिया, जी भर के देख लो, ठीक है ना? Wow, what a beautiful sight. रीप्ले टेलीकास्ट मिलेगा? No way. परम पूज्य पिताजी, पिताजी! नहीं, प्लीज 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 Hayati. Stop it. तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम समझी नहीं, बस एक किस चाहिए, सिर्फ एक घंटे के लिए। You mean one hour? पागल हो गए हो क्या? सिर्फ एक छोटा सा किस चाहिए, जो कम से कम 3,000 कैलोरीज बर्न करे, जमीन और आसमान एक हो जाए, सारा ब्रह्मांड रॉक एंड रोल करने लग जाए। कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ? एक किस ही तो चाहिए, आखिर किस होता ही क्या है? बस दो लिप्स को आपस में मिलना होता है। लिप्स लॉक होने से जो प्रेशर पैदा होता है उससे कई राज खुलते हैं। लव है या लस्ट है, फ्रेंडशिप है या बस फॉर्मेलिटी, और मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक घंटे के किस का मतलब सिर्फ वासना ही हो सकता है। प्रिया, ये तुम्हारा हरिलाल के साथ का एक्सपीरियंस है क्या? मुझे किस करने के पीछे क्या लॉजिक है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं शादी में यकीन नहीं करता। तो क्या मुझसे प्यार करते हो? मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे लगा मुझसे प्यार हो गया है। हेलो, रिश्तों का बोझ मैं नहीं सह सकता। एक तो हमारी जिंदगी इतनी सी होती है, उसमें जो मिले उससे कोई रिश्ता बनाना जरूरी है। तूम चाहती हो जिंदगी भर तुम्हारे बिल मैं भरूं? क्यों? Why? तो क्या बिल्स मैं पे करूंगी? तुम्हारा मतलब अपना काम होते ही मुझे छोड़ दोगे? अरे तुमने गलत समझा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर जाओगी। सब लड़के एक जैसे होते हैं, एक नए लॉजिक के चक्कर में सबको कंफ्यूज करते हैं। प्रिया, लड़कों को गाली मत दो। क्यों ना दो गाली? सब लड़के एक जैसे होते हैं, तुम्हारी तरह यूजलेस एंड होपलेस, दिमाग में एक ही बात आती है और कुछ नहीं। ऐसा ही सही, अब बताओ किस करोगी? इट्स अ बिग नो। तो मैं पिताजी के पास जाऊंगा। पिछले 4 दिनों से तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाकर उन्हें बता देते हैं। ऐसा मत बोल प्लीज। ये बता, तू उस हरिदास से प्यार करती है ना? करती हूँ। गट्स नहीं है? थोड़े हैं। तो क्या इसकी फिजूल ब्लैकमेलिंग की वजह से तुम उसे छोड़ दोगी? नहीं छोड़ सकती। यानी पापा को बता दोगी? दोनों मिलकर बताएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, चलो। बेचारे पिताजी, पिताजी! हाँ बताओ, ये लड़का कैसा है? अच्छा लग रहा है। ये वाला स्मार्ट है। फोटोज देख रहे हैं, प्रिया के लिए 100% वेज ब्राह्मीन लड़कों के रिश्ते आए। अंकल, ये सब बकवास बंद कीजिए प्लीज। क्या आप समझते क्यों नहीं? प्रिया इनमें से किसी से भी शादी नहीं करेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है। लव? हाँ हाँ, लव करती है। ये कोई मामूली वाला लव नहीं है, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट लव। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, प्रिया एक काले अफ्रीकन से प्यार करती है। हाँ? हे, तू उसे सच में प्यार करती है ना?
अंकल को बता मैंने जो कहा वो सच है। ये सही कह रही है पापा। उसका नाम बता। हरिदास नाम है उसका। कितने सालों से अफेयर है? चार साल से पापा। सिर्फ इतना ही नहीं, आज और अभी आप उससे मिलने वाले हैं। अपना दिल मजबूत कर लीजिए, अब से आपको झटकों की आदत डाल लेनी चाहिए। हरी बेबी। Hello, father-in-law. How are you? Sir, I want to marry your daughter. We are in deep love. Krishna! Mama! Krishna! Swami! मेरी इतनी सालों की तपस्या का ये फल दिया है मुझे। हर पल मैं आपका नाम जपता रहता हूँ, लेकिन आपने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। चार सालों से मेरी बेटी का उस आदि मानव से चक्कर चल रहा है, आपने रोका क्यों नहीं? मैं हर दिन दिया जलाकर आपको रोशन करता हूँ, और आप है कि आपने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया स्वामी। अब कैसे मैं उस कोयले की खदान को अपना दामाद बना लूं स्वामी? नहीं नहीं, नो, आई डोंट एक्सेप्ट हिम एज माय सन इन लॉ स्वामी, आई डोंट एक्सेप्ट। अपना घर सब कुछ आपको मुबारक स्वामी, अब तुम्हारे हवाले वतन स्वामी, तुम्हारे हवाले। मैं रिजाइन करता हूँ, आप असाइन कर लो। कर दी ना स्वामी मेरी बदनामी। कृष्णा, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका भक्त आपके सामने पॉइजन पिए। रोकेंगे मुझे? आप रोकेंगे मुझे? नहीं रोकेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। मैं आपका एटीट्यूड समझ गया हूँ। यू कैनॉट स्टॉप मी कृष्णा, अब कोई चारा घोटाला नहीं बचा। नो नो नथिंग टू वरी। थैंक यू। यू वेलकम। Baby, don't cry. My daddy. Everything will be fine. Swami. अब कैसे तबीयत है उनकी? अब खतरे से बाहर है। तुमने तो कहा उन्होंने जहर ले लिया था। हाँ, पिया तो था, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट ही निकल चुकी थी, इसीलिए कोई असर नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? ए? क्या मैंने उन्हें जहर पिलाया था? इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने इरिटेट होकर अंकल को सब कुछ बता दिया, तुमने मजबूर किया। ए, अब अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। ये क्या, तू तो पलटी खा रही है। ये सब तेरे प्यार की वजह से किया। देखो, जो हुआ सो हुआ, अब ये सोचो कि अंकल को कन्विंस कैसे करना है, ठीक है? बेबी, बैठो ना बेबी। थैंक यू। बताओ प्रिया, कैसे हैं पापा? पहले से काफी बेहतर है, तुम अपना प्लान बताओ। कल रात मैंने बहुत गहराई से तुम्हारे पापा के नेचर के बारे में सोचा। वैसे तो सुसाइड करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन्होंने पॉइजन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। इससे ये क्लियर होता है कि वो बहुत ही फट्टू और डरपोक किस्म के इंसान हैं। प्लान क्या है जल्दी से वो बताओ। मैं उसी पर तो आ रहा हूँ। देखो, मेरा प्लान बहुत ही सिंपल सा है। उनके मंदिर जाते वक्त मैं भेष बदल कर उन पर चाकू से हमला करने वाला हूँ। तुम्हारा बेबी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेगा और वो इंप्रेस हो जाएंगे। यहाँ वो इंप्रेस हुए और वहाँ तुम्हारी और बेबी की शादी पक्की। इसे तुम प्लान कहते हो? हर दूसरी हिंदी फिल्म में यही वाहियात सा सीन होता है। और फिल्म में ये प्लान सक्सेसफुल होता है ना? तुम्हारे पापा ओल्ड जनरेशन के हैं, तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो उन्हें समझ में आए। नई चीज से वो कंफ्यूज हो सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। डोंट टेल मी कि तू उस बकवास प्लान के बारे में सोच रही है। प्लान बुरा तो नहीं लग रहा है, मुझे लगता है ये प्लान 100% वर्क करेगा। बहुत इंटेलिजेंट हो। जैसे ही प्लान सक्सेसफुल होगा, तुम दोनों की शादी पक्की हो जाएगी। और जैसे ही तुम दोनों सेटल हो जाओगे, हमारा भी सेटलमेंट हो जाएगा। कैसा सेटलमेंट? तुम्हें मुझे किस करना होगा। हे, इन दोनों की शादी होने पर मैं तुम्हें क्यों किस करूंगी? कर लेना यार, वरना इसका दिल दुखाकर तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। बस प्रिया, ये बातें उसे समझ में नहीं आएंगी।
हालांकि मेरे चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन मेरा दिल वरुण की इन मासूम बातों पर खूब हंसता है। मैं अपनी स्माइल को कंट्रोल कर लेती हूँ, वरना वो इन मुस्कुराहटों का एडवांटेज लेने लग जाएगा। दिखने में बदतमीज लगता है, लेकिन असल में बहुत ही डिसेंट है। क्या है, बहुत सी लड़कियां निकम्मे लड़कों से प्यार करती हैं। तुम भी कुछ ऐसा ही कर लो। मुझमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश क्यों करती रहती हो? मैं भी बाकी बदतमीज लोफर लड़कों जैसे ही तुम्हें किस कर लूंगा। तुम ऑलरेडी मेरे मन को किस कर चुके हो। जब भी मैं तुम्हें रात को ठंड में बिना शिकायत किए खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोते हुए देखती हूँ, तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। सच तो ये है कि मैं 3 बार तुमसे मिलने यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। आओ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ए, स्टॉप। व्हाट इज दिस? जल्दी से रोकड़ा निकाल। यू मीन पैसा? हाँ, पैसा। नो पैसा। अच्छा? नो पैसा, नो पैसा। नो पैसा? जान से मार दूंगा। पैसा निकाल। हाउ आर यू हिटिंग मी? डोंट वरी फादर इन लॉ, आई एम हियर। ए, डोंट टच मी। ए, मैं समझ गया, ये सब नौटंकी है। तुमने पहले गुंडा भेजा, फिर हरी को भेजा, अब तेरे फाइटिंग बाप को पटानी। हीरोइन के बाप को पटाने के ऐसे घटिया आइडिया फिल्मों में देखे हैं, वो मुझ पर आजमा रहे हो। मैं उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। इन्हें ये सब कैसे पता चला? भिशुम, अधिशुम, ए भिशुम। अरे हमारे जमाने में ऐसे साउंड मुंह से निकल जाते थे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर वहाँ कौन है? अरे मुझे ट्रैफिक लग गया था ना, बस 2 मिनट लेट हो गया। Please take my baby. जाओ, go. मुझे सब पता है, अभी नई एंट्री किसने ली? अरे बाप रे! मैं भी कर सकता हूँ, कमर में मोच आ जाएगी। No money, no money. अरे कलमुए, मैं तेरा घटिया प्लान समझ गया हूँ। मेरी बेटी जरूर यहीं कहीं छुपकर ये सब तमाशा देख रही होगी। चुप जा, चुप जा। ए, इधर आओ, लाइन से खड़े रहो, जल्दी आओ। अब आती हो या घसीट कर लाऊं? भोले, तुम इन कपटियों के प्लान को नहीं समझ पाए ना? इस जंगली सांड से शादी करने के लिए मेरी खुद की बेटी ने मुझे यहाँ फंसा कर मुझ पर अटैक करवाने का घटिया प्लान बनाया। अरे लव करना ही है तो ऐसे चिकने चॉकलेट से करो। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। बेटा हयाती, तुम पर मैंने विश्वास किया, अपनी बेटी और मेरी वेल विशर माना, फिर भी तुमने इसका और इस जंगली भालू का साथ दिया। कल कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाता? अब गलत समझ रहे। नो बेटी, नो, आई हेट एक्सप्लेनेशंस। आई हर्टेड, आई हर्टेड, आई एम कंटिन्यूअसली हर्टिंग। आज तुम्हारी वजह से अंकल ने मुझे गलत समझा, उनका और मेरा इतना अच्छा रिलेशन खराब करके रख दिया। अब मैं उनसे कैसे नजरें मिला पाऊंगी? तुम एक बात नहीं समझ रही हो, उन्हें हमारे बारे में सच्चाई पता चल गई है, अगला प्लान और इफेक्टिव होगा। अपने घटिया प्लान्स अपने पास ही रखो, चलो यहाँ से। ए हाथी! हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे हीरो, तुम यहाँ कैसे? मैं आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ, आशीर्वाद दीजिए। कृष्णा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, जाओ। गुरुदेव। बोलो बेटा। एक छोटा सा संदेह है। वो क्या है? कृष्ण की जानकारी के बिना क्या कोई कार्य संभव है? Impossible. हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे वश में कुछ भी नहीं। We are just actors. He is the director. और वो जो भी करता है उसके पीछे एक उद्देश्य, एक संदेश छुपा होता है। कोयल की तरह मधुर आवाज है। ये किसकी आवाज है गुरुदेव? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
सती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काहे याद यारी आती रात में तू आया, लाड ला कन्हैया मेरा हो, लाड ला कन्हैया मेरा काले कमले वाला इसलिए काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कौन है ये भक्त? ये वही है सर। वही कौन? वही ये वो है, वो ये है। गुरुदेव इस बार कोई ड्रामा नहीं है। सुबह शाम मुर्गा और बकरा खाने वाला आपकी बेटी के प्यार में प्योर वेज हो गया है, दारू छोड़कर गंगा जल का सेवन करने लगा है और आपको इम्प्रेस करने के लिए इंडियन भजन सीख रहा है। इसे शादी के लिए आपकी इजाजत चाहिए। अगर अब भी आप नहीं माने गुरुदेव तो ये अभी एक भजन गाएगा। ए, चल हो जा शुरू। आई लव प्रिया, प्लीज ब्लेस मी फादर इन लॉ, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज फादर इन लॉ। प्लीज मान जाइए। मुझे आपकी प्लानिंग समझ में आ गई। अगर वो मेरा दामाद बन जाता है तो साउथ अफ्रीका में भी आपकी लीलाओं को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। पर ये प्लानिंग का खेल क्यों खेला? हार्ट टू हार्ट वाईफाई से बात कर सकते थे, नहीं तो ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप पर चैट कर लेते। हमारे बीच ये कम्युनिकेशन गैप कहां से आ गया कृष्णा? इन्फॉर्म नहीं किया, सडन प्लान बनाया, मैं सबके सामने हंसी का पात्र बन गया। व्हाट इज दिस? मैं आपकी हर आज्ञा मानता हूं। आई एम योर सर्वेंट यू नो। आई हर्ट इट। वरुण, पापा दीदी की शादी के लिए मान गए हैं। वो थैंक यू सो मच वरुण, जल्दी शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं। थैंक यू सो मच वरुण, यू मेड माय लाइफ। दैट्स ओके। थैंक यू वेरी मच वरुण, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एनी टाइम। बिकॉज़ ऑफ यू इट हैज हैपेंड। यू वर ग्रेट वरुण। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपने बारे में कुछ बताओ। जैसे कि लाइफ में गोल क्या है? बिना किसी गोल के जीना यही गोल है। बिना किसी गोल के करियर कैसे बनेगा? मैं जिंदगी में कुछ बनना ही नहीं चाहता, यही करना चाहता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? ना मेरा कोई घर है, ना बनाना है। और सेविंग्स? I hate savings. मेरे पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। So, you're roaming like a beggar. Almost. बस भीख नहीं मांगता, नौकरियां कर लेता हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ, एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगा। वैसे जानवर भी इसी तरह गुजारा करते हैं, तुम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं। नहीं है। ऐसे लड़के से कौन लड़की प्यार करना चाहेगी? कोई बात नहीं, ना मुझे लड़कियों की जरूरत है ना ही उनके प्यार की, मैं किसी के लिए नहीं तड़पने वाला। तो तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें किस करे पर प्यार ना करे? हाँ एग्जैक्टली। कौन सी लड़की ऐसा करेगी? जो मुझे पसंद करेगी। ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाली। मुझे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हयाती, तुम्हें लड़कों का एक सीक्रेट बताता हूँ। हम किसी लड़की को देखते हैं, उसके साथ नैन मटक्का करते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर मिस यू बेबी, मिस यू स्वीटी, ओ सो क्यूट, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर एक दूसरे को पकाते रहते हैं, अपनी रातों की नींद हराम करते हैं, कैंडल लाइट डिनर पर पैसे खर्च करते हैं, इतनी मेहनत के बाद जब एक किस मिल जाती है तो हाय दिल खुश हो जाता है, ब्रेकअप के सिम्टम्स दिखते ही दूसरी लड़की ढूंढते हैं, सेम प्रोसेस फिर से शुरू होती है। एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी आया थी, लड़के सिर्फ इस प्रोसेस से प्यार करते हैं, किसी लड़की से नहीं। फिर भी लड़कियों को लगता है लड़के उन पर मरते हैं। एक और राज बताऊं, लड़कियां भी इसी प्रोसेस से प्यार करती हैं, लड़कों की फीलिंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है थी, अब इस किस के लिए मुझे कौन से काम करने होंगे बताओ। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हयाती, इस बारे में फिर से सोचना, मैं बस 3 दिन और यहां रहूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा। 3 दिन रुकने की क्या जरूरत, आज ही निकल जाओ।
Tomorrow is my last day. मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही जल्दी मुझे भूल जाओगे. बस आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूं, ठीक है? Please come. मैं नहीं आऊंगी. आओ या ना आओ, मैं बुलफाइट स्टेडियम में तुम्हारा इंतजार करूंगा. क्यों गुरुजी, नए रिश्तेदारों में बिजी हो गए? बिजी है. जरा यहां आओ तो. मन में एक डाउट है, मेरे होने वाले नाती किसके जैसे दिखेंगे? गुरुदेव, इस सवाल को फेंक दीजिए. हाँ. आपके नाती बिल्कुल उनके पापा पर जाएंगे. डार्क कलर, थोड़ी तो सफेदी रहेगी ना? कोई चांस ही नहीं है. देखिए, ब्लैक में कोई शेड्स ही नहीं होती. आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा. हयाती, मैं जानती हूँ कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो. He's really a sweet guy. अगर तुम आज उससे नहीं मिली तो फिर कभी नहीं मिल पाओगी. मेरी बात मान लो. हाँ, उस आदमी का पता चल गया. बोलो तो मार दूं. कौन है वो? जन्म कुंडली निकालने का टाइम नहीं है. जल्दी बताओ उसे मारूं या नहीं. इतनी भी अकल नहीं कि क्या करना चाहिए? उसको मारने के लिए मोहरत का इंतजार कर रहा है. ए, मार, मार, मार साले को, मार! मैच शुरू भी नहीं हुआ और थर्ड अंपायर आ गया. वरुण, लगता है अरेना में बुल फाइट की जगह रोमांस का मैच खेलने आया था. चले एक फाइट, हमसे भी खेल. तो फिर ठीक है, तुमसे पहले निपट लेता हूं. क्या पता तुम फिर कभी मेरे हाथ लगो या ना लगो. आओ. Thank you.
हमारा पिछला हिसाब बाकी है ना, आज क्लियर कर दें। वरुण! मैंने तुम्हें बच्चा समझ के मजाक मजाक में कपड़े से तुम्हारी धुलाई की है। अगर तुमने मेरी दोस्त को नहीं छोड़ा तो इसी कपड़े को तुम्हारा कफन बना दूंगा। कुछ देर और यहां रुके ना तो जिंदा लौट कर नहीं जाओगे। स्टूल हाथ में लेकर निकलोगे या स्ट्रेचर पर भेजू तुम्हें? हे, हिट हिम, मार उसे। यू हिट हिम, आई एम गॉन। दैट बॉक्स साले। वरुण, मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? कैसा प्रॉमिस? तुम जो चाहती हो मैं करूंगी, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले बताओ तो। क्यों, वादा करने से डर लगता है? मैं इस बात से डरता हूँ कि मैं अपना वादा निभा नहीं पाऊंगा। तुम जरा भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करने वाली। तो फिर कोई टेंशन नहीं है। वो क्या है ना हयाती, मुझे झूठे वादे करके किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं है। दैट्स नॉट मी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, फैसला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह खड़ा हूं, बोलो क्या करना है। हेलो ओ गर्लो, हेलो गर्लो, किस मी ऑन माय लिप्स। मेरी तुम्हारे दिल में क्या जगह है, ये हमारी इस एक किस की वजह से मैं जान गया हूं। तुम्हें प्रॉमिस चाहिए ना, क्या है वो बताओ। हयाती, कुछ तो कहो। वरुण, तुम्हारी बदतमीजियों की वजह से मैं इतने दिनों से तुमसे नाराज रही, पर तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इस बात से मुझे खुशी महसूस करनी चाहिए या फिर मुझे दुखी होना चाहिए, आई रियली डोंट नो। पर मैं इतना जानती हूँ कि ये सब बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम्हारे दिल में प्यार, इमोशंस, शादी के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक प्रॉमिस करवाना चाहती हूँ। कैसा प्रॉमिस? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे सामने भी मत आना। आई लव यू। You are dead for me. एयरपोर्ट के लिए निकलना है, आई होप हम टाइम पर। वरुण चला गया क्या? नहीं मालूम। फोन नहीं किया उसे तूने? नहीं।
तू कहे तो मैं बात करूं उससे। नहीं, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रखना। कभी मिलना नहीं चाहती, सब कुछ खत्म हो चुका है। One coffee for you? Is Varun working here? No. You know where he is? I don't know. Did he give any number? No. आशीर्वाद दीजिए अंकल। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। Bye बेटा। Bye. पता नहीं कहाँ चला गया वो। किसकी बात कर रही हो? अचानक से वो यूजलेस गायब हो गया। यहाँ तो सभी यूजलेस हैं। अब उसे कहाँ जाकर ढूंढने? जहन्नुम में जाके ढूंढ, पर मेरा दिमाग मत घुमा। ए, अरे, ए, ओ, ए, 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 तो फुल टूट टल्ली है। Who the hell are you, man? वरुण, वरुण। दारू पी के गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे? कौन हा? मैं? ओए। आराम से। मैडम, हेलो। मेरे होठ कैसे लगते हैं? सुपर। और मेरी टांगे एकदम झकास है। काफी आंख सेक चुके हो, अब मुझे उठाओ। उठाओ। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? इंटरनेशनल लाइसेंस है। लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं कि सड़क को अपने बाप की जागीर समझो। आगे से ख्याल रखूंगा। मैं इसी वक्त तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर रही हूँ। करना ही चाहिए। आज के बाद ड्राइविंग सीट पर मत नजर आना। कभी नहीं। आज के बाद नजर मत आना मुझे। बाय बाय। पता नहीं ये लड़की जिंदा घर पहुंचेगी या नहीं। ऊपर वाले, इस फुल टल्ली लड़की की ड्राइविंग में थोड़ी मदद कर देना। सारी लड़कियों को मैं ही संभालूं क्या? इन हसीन लड़कियों का ख्याल रखना भगवान। थैंक यू। वरुण। हाय, आई एम मॉरिस। हाय। Pool is over there. Go and clean the pool. Okay? Yeah. Thanks. Thank you. अरे वाह वाह वाह। अगर ये बीच मेरा हो जाए, ये स्विमिंग पूल मेरा हो जाए और इसमें खूबसूरत लड़की के साथ स्विमिंग करने का मौका मिल जाए तो हाय जिंदगी सेट हो जाएगी। वरुण, तुम पूल साफ कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें मेरा नाम याद है? उस रात तो तुम फुल टल्ली थी। शराब पीने के बाद मेरी याददाश्त तेज हो जाती है। कम हियर। इज दिस योर पूल? नो, इट्स अ कॉमन पूल। मेरा घर यहीं पर है। ओह। हाँ, चित्रांगदा। नाइस टू मीट यू। नाइस नेम। माफ करना लेकिन मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, जो मन में आता है बोल देती हूँ। यू नो आई रियली लाइक यू। थैंक यू। क्या यही तुम्हारा प्रोफेशन है? हाँ, आज के लिए। और कल? कल का कल देखेंगे। आज शाम को क्या कर रहे हो? आज शाम तो फ्री हूँ, कोई काम हो तो बताना, आ जाऊंगा। तुम मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? ये बैड मैनर्स होते हैं। आज तो तुमने मेरा पकड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? वरुण। हाँ। आज रात को मॉलिस आ जाना। मॉलिस? हाँ। ये मॉलिस कौन सी जगह है? जस्ट कम ना। मुझे लगता है ये मुझे सेट। Oh,
साथ रात गुजारने का इनविटेशन एक्सेप्ट करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? जितने इनोसेंट दिखते हो ना उतने तुम हो नहीं। मुझे अटैचमेंट से एलर्जी है तुम्हारी तरह। यू नो आई वांट टू किस यू। ऊपर वाले, मुझे लगा था मैं अपनी तरह का एक सिंगल पीस हूँ, पर तुमने बिना कॉपीराइट के मेरी पायरेसी कर दी। थैंक यू सो मच। Hey, मेरी तरफ देखो। Look into my eyes and kiss me. कौन है वो? फ्रेंड है। फ्रेंड से मतलब? फ्रेंड से मतलब जस्ट फ्रेंड है। वैसी ही फ्रेंड जैसी मैं हूँ? यस, बोथ आर सेम। उससे प्यार करते हो? नो, मैंने आज तक प्यार नहीं किया है, और ये बात उसे साफ साफ बता चुका हूँ। उसका बैड लक, क्योंकि वो सीरियस हो गए। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं मिलूंगा, बस इतना बोल के वो वहां से चली गई। क्यों? तुम्हें पता है तुम रो रहे हो? क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? अब तुम्हारे रोने की स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी तुम्हें एहसास नहीं कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो? नो, मैं किसी से प्यार नहीं करता। इनफैक्ट उसका ख्याल दिल में लाना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, वो किस हाल में है, मैं नहीं जानता। पिछले एक महीने में मैंने आपको बहुत मिस किया पापा, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जब रमन अंकल ने आपके बारे में पूछा ना हो। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको स्पेन लेकर चलूं ताकि वो वहां आपका एडवांस ट्रीटमेंट करा सके। बस ये 16 महीनों से इसी तरह खामोश है, सिवाय देखने और सुनने के वो अपने सारे सेंसेस खो चुके हैं। इसके लिए मैं कभी अग्री नहीं करूंगा। उन्हें वहां ले जाना काफी एक्सपेंसिव होगा। अमेरिका में इसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पर उनकी कंसल्टेंसी फीस और आने जाने का खर्चा ही कम से कम 10 लाख हो जाएगा, बाकी ऑपरेशन में 30 से 35 लाख और। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने का सिर्फ 1% चांस है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अब तक मैंने सर्जरी के बारे में आपसे बात नहीं की। अगर 1% चांस भी है तो भी हम ये ऑपरेशन करवाएंगे। पापा हमारे लिए सब कुछ है, बस वो ठीक हो जाए। आपकी सारी प्रॉपर्टी लीगल केस में फंसी हुई है, कोई भी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। माफ कीजिए, पर ऐसी प्रॉपर्टी पर हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन गोवा में एक बिजनेसमैन है जो ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में डीलिंग करता है, उसका नाम मकरंद कामाठी है। अगर वो ये प्रॉपर्टी खरीदता है तो आपको 50 लाख तो नहीं लेकिन 20 लाख तो मिल जाएंगे। ये अमाउंट तो बहुत कम है, हमारा घर बहुत ही बड़ा है। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार फिर आपके घर आता हूँ और दोबारा वैल्यूएशन करता हूँ। वैसे आप मकरंद जी से मिल ही लीजिए। वरुण जरा इधर आना। प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, but I love you. हेलो प्रिया, वरुण बोल रहा हूँ। हे वरुण, हाउ आर यू? आयति से बात करवाओगी? पर वो तो यहाँ नहीं है।
नहीं है, कहाँ गई? वापस अपनी कंट्री चली गई। कौन सी कंट्री? क्यों? प्रिया मुझे उसका नंबर दो प्लीज। आई एम सॉरी वरुण, मैं उसका नंबर नहीं दे सकती। उसने तुम्हें नंबर देने से मना किया है मुझे। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकती। प्रिया प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। सॉरी वरुण। प्रिया वरुण हयाती का फोन नंबर मांग रहा था ना, दे दो ना दीदी प्लीज। कौन चाहिए? मकरंद कामाठी से मिलना है। भाई उस पुलिस वाले की बीवी और बेटी मिलने आई है। कौन सा पुलिस वाला? नमस्ते जी। नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर मधुसूदन की वाइफ हूँ। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैंने उनके बारे में सुना है, कुछ साल पहले पैरालिसिस हो गया था ना? जी हाँ, उनके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए हमें अपना घर बेचना है। मैं घर के पेपर्स साथ लाई हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज। काम हो जाएगा, अभी आप लोग जाओ, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। थैंक यू सर। चलो बेटा। मैं नहीं जानता था कि इंस्पेक्टर की इतनी खूबसूरत बेटी भी है। हमें भी आज ही पता चला। ये मछली शार्क से अब तक बची कैसे रहेगी? हे वरुण, मुझे कस के थप्पड़ मारोगी? ह्यूमन स्लैपिंग? या ओके। उसे छोड़ने के लिए आई डिजर्व दिस। अमेरिका में पैदा हुआ था, एक्सीडेंट में माँ बाप दोनों चल बसे, छोटी सी उम्र में अनाथ हो गया और उसी दिन से ऐसे भटक रहा हूँ। अकेले रहने की आदत डाल दी, कभी नहीं सोचा कि मेरे दिल में सच्चे प्यार के लिए जगह बना पाऊंगा, कभी नहीं। बिना इमोशनल अटैचमेंट के, बिना किसी फीलिंग के लाइफ जीता आ रहा हूँ। मेरे भी सीने में एक दिल है, इसका एहसास तुमने कराया, थैंक यू। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तय कर लिया। आई वांट टू गिव यू अ बिग हग। You are very sweet. वरुण, तुम बहुत जल्दी उसे ढूंढ लोगे, उसी से शादी करना। All the best. Thank you. Bye. Bye. नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मधुसूदन जी। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम लोग पहले मिल चुके हैं। उन्होंने आपको पहचान लिया है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे। कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? 50 लाख। देखिए, इस घर की कीमत इतनी है नहीं, लेकिन अगर अपनी बेटी का हाथ आप मेरे हाथ में देते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, अगर इसकी शादी आप मुझसे करवाती हैं तो ऑपरेशन का खर्च मैं उठाऊंगा। सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं आंटी, मैं आप लोगों की लाइफ बदल दूंगा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैंने तो बस अपनी मन की बात कही। आप चाहे तो अपनी बेटी से अकेले में बात कर लीजिए प्लीज। जाओ। गुर क्या रहा है? तेरी बीवी तेरी बेटी का हाथ लाके मेरे हाथ में देगी। अरे भाई गुस्सा रहा है आपके ससुर जी को। कह रहे ये शादी रोक पाएगा? तेरी बेटी से शादी करके उसे दूसरी लड़कियों के साथ फॉरेन में नीलाम कर दूंगा और तू फिर से मुझे रोक नहीं पाएगा। बात को समझने की कोशिश कर, इतना अमीर आदमी तुझसे शादी करना चाहता है। इस रिश्ते के बनते ही हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तेरे पापा को
एक नया जीवन मिल जाएगा। मेरी बात मान जा बेटी, मेरी बेटी इस शादी के लिए तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इन्हें कन्विंस कर लेंगे। रिया, हेलो, दे आर नॉट एट हाउस, दे लेफ्ट साउथ अफ्रीका। व्हाट? दे लेफ्ट साउथ अफ्रीका। When will they come back? I don't know. मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। हयाती का एड्रेस चाहिए ना? Go, Goa, gone. Lift, lift, sir, lift. Hello. Slip, lift, lift, lift. Hey! क्या है रे? बाप का रोड समझ रखा है? एक दूंगा ना तो तेरे टुकड़े बिखरे पड़े मिलेंगे। मुझे सिर्फ लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट चाहिए? उसका भी स्टाइल होता है। तुझे क्या लगा ऐसा प्रभु देवा की तरह डांस करके लिफ्ट मिलती है? हैं? सब ट्राई किया, लिफ्ट नहीं मिली। क्या बोला? चलो गाड़ी में बैठो। ए, पर तुझे जाना कहाँ है? गोवा जाना। ए, ए, अपना बोरिया बस्तर उठा। भैया। भैया बोलता है, ओरिजिनल भाई का डुप्लीकेट ब्रदर बनता है। ये जरा प्यार का मामला है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गोवा में ढूंढने के लिए जाना है, और अब आपके अलावा मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान नहीं। मैं शक्ल से जितना बेवकूफ दिखता उतना हूं नहीं रे। चल सामान उठा अपना। रजनी, बोल मेरी सजनी। वो कह रहा है कि वो अपने लव को ढूंढने आया है, प्लीज हेल्प हिम ना। कम ऑन डियर। मेरी नयनतारा कह रही है इसलिए तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ। चलो बैठ जाओ। तुम्हें हैप्पी कर दिया ना? थैंक यू मैडम। मेरा रजनी ना दिन में बहुत ही हॉट और उछलता रहता है। देखा ना तुमने, मेरी तरह इंजन भी गर्म हो गया। भैया, भैया क्या हुआ? इस लड़की को कहीं देखा? अरे रहने दे। अरे फोटो ड्राइव कर रहा हूँ रे। रजनी फोटो देख लो ना, एक बार देखने में क्या हर्ष है? इसे गोवा में कहीं देखा? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। जल्दी से दुकान लगा देते हैं। हाँ भैया। क्या हुआ? ये कौन सी जगह है? बाघा बीच। ओ, गाड़ी यहीं पार्क करोगे? बिल्कुल, रात को भी यहीं रुकेंगे ना? हाँ भाई हाँ। भैया मुझे सिर्फ आपका फोन नंबर और 500 रुपए चाहिए। तुमने लिफ्ट मांगी, मैंने दी। यहाँ का एड्रेस पूछा, मैंने दिया। अब तुम्हें मेरा फोन नंबर और साथ में 500 रुपए भी चाहिए? नंबर की जगह फोन ही मांग लेते ना, वो भी दे देता। एक काम कर, इसे ले जा साथ में, ले जा ले जा। अबे भाग। भैया सॉरी भैया, पर मैं गोवा में आपके सिवा किसी को नहीं जानता। शहर में घूमने के लिए पैसे नहीं है। एक काम करते हैं, मैं दिन भर गर्लफ्रेंड को ढूंढूंगा और शाम को यहाँ आकर आपकी मदद कर दूंगा। तीनों साथ में काम करेंगे। तुम्हें 500 रुपए ही चाहिए ना? तुम्हारा कहने का मतलब है हम तीनों एक साथ रात गुजारेंगे? ये लो। क्या कर रही हो? पैसा दे रही हो? अरे नहीं ना, जितना हम दिन भर में कमाने वाले थे उससे ज्यादा तो ये ले गया। अरे मैडम, हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है यहाँ? कोई भी आए और रात को टिक जाए। अरे पर... अगर हम यहीं रुके रहे तो डेफिनेटली लौट के वो तो इसी घर को आएंगे। चलो लोकेशन शिफ्ट, पैकिंग शुरू करो जल्दी। जाना जरूरी है। मेरे ओरिजिनल रजनी डुप्लीकेट का हाल देखो। लोकेशन शिफ्ट। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में पैसे जमा कराने। कितने? 70 लाख। भाई इस ड्रेस में तुम्हारा बीवी बहुत सुंदर है। भाई मुझसे कैसी शर्म? प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। थोड़ा रोमांस करते हैं फिर चली जाना। प्लीज मुझे जाने दीजिए। चाय को नखरे दिखा रही है। 4 दिन बाद तो तू मेरी होने ही वाली है, तो थोड़ी रिहर्सल कर लेते हैं। गुलाब सी पंखड़ियों से तेरे होंठ है, पहले किसी ने किस किया है?
ये बता, कितने घाट का पानी पी चुकी है तू? इतने अफेयर रह चुके हैं तेरे? मेरा कोई अफेयर नहीं था। सच बोल रही है तू? कोई नहीं, कोई नहीं। अगर कोई होगा भी तो खत्म कर दूंगा। Have you seen this girl? Excuse me, आपने इसे कहीं देखा? Hayati, I'll kill you. मेरे लिए आते वक्त गिफ्ट जरूर लेके आना। हाँ, wait. I'll call you back. Yeah? Hayati? Yeah. आप Hayati को जानती हैं? Yeah, I know. कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गई है। उसकी शादी हो गई? Yeah. कब? 3 दिन पहले। क्यों? आपकी दोस्त Hayati यही है ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। इसे गोवा में कहीं देखा है? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं मुंबई से हूँ। सॉरी। ओके, थैंक यू। हेलो वरुण, Hayati से मुलाकात हुई? नहीं, पर मेरा दिल कहता है वो यही है। बस ये नहीं जानता हूँ कि वो कब मिलेगी। वरुण, उसे अपने दिल की आंखों से ढूंढो। मेरा दिल कहता है वरुण कि वो तुम्हें जरूर मिलेगी। हिम्मत मत हारो। Hayati! कहाँ हो तुम? हाँ, ये लो। क्या चाहिए आपको? इडली है क्या? नहीं है। तो 2 सैंडविच पैक कर दीजिए। ओके। बेचारा वरुण, पता नहीं वो उसे ढूंढ पाया होगा भी या नहीं। ओ मीना कुमारी, उससे ज्यादा दुखी तो तुम लग रहे हो। दूं क्या घुमा के? चल काम पे ध्यान दे। ये लो मैडम। थैंक यू। यू आर वेलकम। अरे सॉस तो यही रह गया। हेलो 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 हेलो, सॉस नहीं चाहिए मैडम? नो थैंक यू, नहीं चाहिए। पैसा बच गया। क्या आपने इसे कहीं देखा है? ये तो वही लड़की है जिसे वरुण ढूंढ रहा था। ये वही लड़की है? हाँ, वही। मुझे क्यों पता नहीं चला? तुम्हें कैसे पता होगा? उस दिन जब वो फोटो दिखा रहा था तब भाव खा रहे थे। फोन नंबर तक नहीं दिया उस बेचारे को। ऊपर से तुमने लोकेशन भी शिफ्ट कर दिया। अब देख क्या रहे हो, जल्दी जाकर ढूंढो उसे। चलो जल्दी चलो। अब कहाँ गायब हो गयी? अब उस हीरो को ये इन्फॉर्मेशन कैसे दे? हो सकता है वो अभी भी बागा बीच पर ही हो। अब अच्छा ठीक है ओके। ए हीरो, हीरो। क्या बात है भैया, आपने यही मिलने का वादा किया था, क्या हुआ? अच्छा हुआ ना झूठ बोला। लोकेशन शिफ्ट की वजह से मैं तुम्हारी हीरोइन से मिल पाया। क्या मतलब? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या कहा? ये वही लड़की थी जिसे तुमने सेलफोन पे दिखाया था। सेम टू सेम। आपको यकीन है वही थी? वही थी। यहाँ से 2 सैंडविचेस पैक करा के लेके गई। जब तक हमें समझ में आया वो यहाँ से चली गई। इस तरफ गई? इस तरफ। और वो आई कहाँ से थी? वो उस रास्ते से आई और उसी रास्ते से वापस चली गई। कहाँ चली गई होगी? कॉलेज गई होगी। यहाँ कोई कॉलेज है? कॉलेज? हाँ पास में कॉलेज तो है। चलो चलो चलो। डार्लिंग, दुकान का ख्याल रखना। हेलो हेलो हेलो, रुको। क्या हुआ? शायद वो इस वक्त कॉलेज में नहीं होगी। आपको कैसे पता? वो इसलिए कि कॉलेज से सैंडविच खाने के लिए वो इतनी दूर तो नहीं आएगी। ऐसा करते हैं, पास के बस स्टैंड पे जाके देखते हैं, शायद वो वहीं पर मिलेगी। चलो जल्दी। अरे हीरो जल्दी भागो। अरे भागो ना जल्दी। ए रुको, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता वो किसी बस में चढ़ी होगी। ये कैसे पता? मेरी बात तो सुनो, ये लोकल बस स्टॉप है। मुझे मारना नहीं। किस बात का टेंशन ले रहे हो हीरो? तेरा टेंशन देखकर तो मेरा भी टेंशन बढ़ जाता है। दिमाग की बत्ती जलने दो। वो कॉलेज नहीं गई, इस बस स्टॉप पे नहीं आई, सैंडविच लेके मंदिर में भोग चढ़ाने नहीं जाएगी। हाँ, उसके हाथ में ऐसा कुछ क्या, था। क्या वायलिन बजा रहे हो? उसके हाथ में एक टिफिन था। टिफिन था? टिफिन वो लेके हॉस्पिटल गई होगी। अरे हीरो चल जल्दी।
किससे मिलने आए हो बेटा? सॉरी आंटी। क्या बात कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? होल्ड कर, तू घर जा। ए, हाँ, वो कंटेनर कैसे पकड़ा गया? 20 लड़कियां थी उसमें। तेरे को पता है तूने कितना बड़ा नुकसान किया मेरा? साला एक भी काम ठीक से नहीं होता तेरे से। जानता है ना वो बायर कौन है? मार देगा वो तेरे को। 10 करोड़ एडवांस लिया है, जाके एसीपी के मुंह पर पैसा फेंक। अपने आदमियों को छोड़ने के लिए बोल उसे, समझा क्या? नहीं माने तो मुझे बोल, मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। अपनी शक्ल दिखाने से मना किया था ना, तो क्यों आया यहाँ पर? मुझे जरूरत है तुम्हारी। क्यों जरूरत है? नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, मेरे साथ चलो, तुम्हें आना होगा। बहुत देर कर दी तुमने, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उस आदमी को देख रहे हो, मेरी उससे शादी होने वाली है, 4 दिन बाद मेरी शादी है। जानते हो तुम्हारी तरह उसने मुझे किस करने को नहीं कहा, उसने मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगा, पापा के ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए भी दिए। कुछ समझ रहे हो तुम? वो कौन है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो मेरे साथ चलो। छोड़ो मुझे, मुझे फर्क पड़ता है। He is my husband. Husband? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा, समझ गई? चलो चलो। आखिर किस बात का गुरूर है तुम्हें? तुम हो, तुम मेरा गुरूर हो। I love you. Hate you. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I will kill myself. पागल बन मत करो। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी कसम। Please go. उसने मुझसे जाने को कहा। क्यों? किसी और से शादी कर रही है, मुझे रिजेक्ट करके। पर मैं हार नहीं मानूंगा। उससे शादी किए बिना मैं यहां से नहीं जाने वाला। खत्म करूंगा मकरंद को। आ? क्या कहा तुमने? क्या तुम मकरंद को मारने की सोच रहे हो? दिमाग घास चने गया है क्या? तुम जानते हो कौन है मकरंद कामाटी? बहुत ही हैवान टाइप का आदमी है वो। सुना है वो किसी माफिया ग्रुप का हेड है। लिस्टन, टेक माय राय, उस लड़की को भूल जाओ। बहुत जानते हैं उसके बारे में, है? मेरे बारे में नहीं जानते। कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। ए, क्या देख रहा है? देना। ये इंजेक्शन इस तड़पती मछली को 24 घंटे तक शांत रखेगी। जो भी जलपरी गोवा में आएगी वो हमारे जाल में जरूर फंसेगी। रशियन फिश। अब तक कितना स्टॉक बना? 18 लड़कियां मिल चुकी हैं। पिछले कंसाइनमेंट में जो लफड़ा हुआ
उसके बदले 20 लड़कियां भेजनी है। अब सिर्फ 2 लड़कियां चाहिए। ये जो तू लाया है यही क्वालिटी रहनी चाहिए। सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। हे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो, अरे 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 जल्दी। अरे बाप रे, ये तो किडनैपिंग है। ये तुमने क्या कर दिया? तुम तो इस लड़की से शादी करने वाले थे। वही करने जा रहा हूँ, बस यही रास्ता बचा। अरे जल्दी। अरे तुम गोवा पुलिस को नहीं जानते, तुम्हारी बारात सीधे जेल में पहुंचेगी। करना मेरा दीपू भाई, भाभी को कोई उठा के ले गया। किस कमीने की हिम्मत हुई मेरी मंगेतर को किडनैप करने की। तुमसे दूर जाना गलत फैसला था। और तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी भूल। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। आखिरी बार जब मुझसे मिली तो मुझे थप्पड़ मारा था तुमने। यही सबूत है कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, और उसी प्यार की खातिर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, भगा कर शादी करूंगा तुमसे। मुझसे उम्मीद रखना तुम्हारी बेवकूफी होगी। तुम्हारे जितनी अकल नहीं है मेरे अंदर। बेवकूफ हूं मैं, गधा हूं। तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी उन्हें समझने में वक्त लग गया। इस स्टूपिड लड़के को वक्त नहीं दे सकती थी? मैं भी तो इंसान हूं ना। कौन है ये? कुछ पूछा मैंने? नहीं जानती। ओहो, कोई लड़की किसी अजनबी लड़के के साथ ऐसे ही इतनी दूर चली आई? इससे कोई संबंध तो है तेरा? मेरा कोई संबंध नहीं है। यानी तू इसे बिल्कुल नहीं जानती? ये क्या है, क्यों ना बोल रही हो? हाँ, नहीं जानती मुझे, नहीं जानती, बोलो। इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो काट डालूंगा। क्यों बे, ये तुझसे शादी करेगी? ये इसने तुझसे कहा या खुद ही सोच लिया तूने? क्या नाटक है, तुम मुझे नहीं जानती? नहीं जानती, देखो देखो मुझे। तू कहां से टपक पड़ा? चल ठीक है, इसे तो पहचानती है ना? अमू स्पेन में फाइट की थी, वो तो याद है ना? ये गेंडा भी याद नहीं है? नहीं। ए, ये तो हम दोनों को नहीं जानती। इस बार मार मुझे। क्या? तुझसे कहा ना मुझे मार। इसे कहते हैं बुलडॉग। वरुण! वरुण! जानती नहीं हो तो मेरा नाम कैसे लिया? याददाश्त लौट आई ना? सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। जब तक दर्द ना हो प्यार याद नहीं आता। ये साला है कौन? ये वही है जिसकी वजह से हमने स्पेन में अपने क्लाइंट्स खोए और हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ। ये दोनों स्पेन की गलियों में खुलेआम रोमांस कर रहे थे। जो मैंने सोचा था वही सच निकला। इसने तुझे किस किया ही होगा? किस किया था या नहीं? ये बहुत पुरानी बात है। अब क्या करना चाहते हो? बोलो क्या करोगे तुम? हा? जैसा उसने किया था वैसा मैं भी करना चाहता हूं। ए! मत करो ऐसा। छोड़ दो इसे। मकरंद! प्लीज। मेरा दर्द देखकर यह आंसू बहा रही है। जब मैं तुझे मारूंगा तब क्या ये ऐसे ही रोएगी? अब देख। छोड़ो मुझे। तुम छोड़ दो इसे, इससे मैं निपटूंगा। लाओ मुझे दो। हाँ? हाँ?
संभाल अपनी आवारा बेटी को। ये बेवकूफ मुझे छोड़ के किसी और के प्यार में पड़ी है। पूछ इसको। एक कदम भी बाहर रखा तो दोनों को काट के रख दूंगा। हाँ। जाग गया क्या? ये देख। ए, उठ, उठ, उठ। क्यों? नहीं उठ रहा है? नहीं भाई। उठेगा उठेगा, साले को उठना ही पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट में मारूंगा, पहले दोनों पैर में बुलेट, फिर टुकड़े टुकड़े करके फिर शार्क्स को शाही दावत दूंगा। ए साला कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, इतनी देर से बैठे उठ ही नहीं रहा। उठेगा, क्यों नहीं उठेगा, उठा। कौन है ये जलपरी? हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, वो आदमी यहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा है, प्लीज हेल्प करो ना। कहाँ लेके जाएगी? हॉस्पिटल में। ए, इसे भी साथ ले चल। हेल्प हेल्प हेल्प। एक लास्ट ट्राई मारता हूँ। स्पेन में तो बहुत बुल फाइट कर रहा था, आज तेरी ऊपर की डायरेक्ट फ्लाइट करवाता हूँ। सुन रहा है कि नहीं कुंभकर्ण? कैसी नींद सो रहा है बे, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। ए, ए, उठ बे। चले ऊपर वाले को याद कर ले, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। सुन लिया कि नहीं बे? सुना कि नहीं? इसे कहते हैं असली बुलजाई। हाँ? कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ओके ना? हाँ? ओके ना? तेरे जैसे कमीने को तो मछलियां भी नहीं खाएंगी। वो जो बैठी है ना वही है। आप हयाती की माँ है ना? हाँ। मेरा नाम वरुण है, आपकी बेटी को बहुत चाहता हूँ मैं। क्या आप मुझे बताएंगी मकरन जैसे गुंडे से हयाती क्यों शादी कर रही है? अपने पापा के लिए। मैंने ही उससे शादी करने के लिए कहा है, मकरन ने ही इस ऑपरेशन के लिए पैसे दिए हैं। प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे ऑपरेशन रुक जाए। कहाँ है वो हयाती? प्लीज बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। जितनी आपकी बेटी जरूरी है उतने ही आपके पति भी। बेटा, बेटा। हयाती, पहले नहीं बता सकती थी? अपना दुख बांटने लायक भी नहीं समझा तुमने मुझे? क्यों बताती तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए। अगर सच में मुझसे प्यार करते तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होती, खुद समझ जाते। तुम मेरे लिए अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। सर, आप मुझे नहीं जानते लेकिन आपकी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए आया हूँ। आज तक मैंने कोई नौकरी नहीं की है लेकिन उसे जिंदगी की सारी खुशियां देने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। हयाती मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मुझसे बार बार जाने की रट लगा रही है। अगर आप भी समझ जाएं तो मेरे लिए काफी होगा। मेरा भरोसा कीजिए। घबराइए मत, मैं उससे बात करता हूँ। उसने आपको पैसा दिया है ना? कोई बात नहीं, हम उसका पैसा लौटा देंगे और उसके बाद सारे रिश्ते खत्म। ओके ओके है ना? ठीक है, तो तय हो गया। मैं उसके पास जा रहा हूं। मैं उससे बात करूंगा। वो तुम्हें मार देगा बेटा। हाँ ठीक है चल। ये कहां से आ गया? मैंने तेरे को बोला था इसका फुल गेम कर डालना, जिंदा क्यों छोड़ा इस साले को? भाई अमो ने बोला तुम सब चले जाओ, मैं इसे मारेगा इसलिए छोड़ दिया। अमो किधर है?
इधर है रामो। वो बीच पर पड़ा है, यहाँ नहीं आएगा। तुमसे नहीं मिलना चाहता। मिलना नहीं चाहता? क्यों रे? वो तो मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें 20 लाख का अमाउंट लौटाऊंगा। तुम्हें हयाती को छोड़ना होगा। चकला। मेरे पास चेक होता तो साइन करके दे देता। तो तू क्या कैश देगा, डीडी या एनईएफटी करेगा? बोलना। पैसे कैसे दूंगा वो डिसाइड नहीं किया। कंफ्यूज मत कर, पैसे मिल जाएंगे। कब तक चाहिए पैसे तुम्हें? एक दिन का टाइम दिया तुझे। अगर पैसे नहीं मिले तो शादी कर लूंगा। ओके। लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की ना तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। खिलौने से मत डरा। तुम्हारे आदमियों ने मिलकर मुझे मारा, तो भी मैं अकेले तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरे हाथ पैर भी टूट जाए ना तो भी तुम्हारी गर्दन काट सकता हूं। मुझे पैसों का इंतजाम करना है, डिस्टर्ब मत कर, ठीक है? भाई, इसको काय को छोड़ दिया भाई? उसने बोला ना 20 पेटी लेके आएगा। एक बार माल हाथ में आने दे, उसको ठोक डालेंगे। मंदिर के भिखारी की तरह पीछे क्यों आ रहे हो? इसके 20 लाख देने हैं, हॉस्पिटल के 50 लाख, इसका मतलब कुल मिलाकर 70 लाख हो जाएंगे। ए बिल्डर, एक दिन में 70 लाख कमाने के लिए कोई आइडिया है क्या? आइडिया? हाँ, आइडिया होता तो मैं यहाँ होता। ये भी ठीक है। पागल पागल, पूरी लाइफ सिर्फ झक मारी, डफर डफर कहीं का। पैसे बचाए होते तो आज काम आते ना। कौन गधा मुझे इतने पैसे देगा? My daughter has been kidnapped. क्या? Yeah? किसी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, समझ में नहीं आता। आपको कैसे पता चला? 3 लोग उसे उठा कर ले गए। देखो, गोवा में ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा हुआ है। ये जो आदमी यहाँ खड़ा है, इसे मेरी बेटी का मोबाइल मिला वहाँ। उसका किडनैप गोवा में हुआ है, फ्रॉम अरम्बोल बीच। आपको जो कुछ भी कहना है इसमें लिखिए। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं आपको समझा नहीं सकता। कमिश्नर को फोन लगाइए और कहिए कि मैं आया हूँ। इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ? ओपन ओपन। आई वॉन्ट माई डॉटर। आई वॉन्ट मनी। जितना चाहिए तुम्हें मिलेगा। तुम जो चाहो वो करूंगा, बस पैसा तैयार रखो। हेलो, तुम्हारा नाम? वरुण। फौरन पंजिम पुलिस स्टेशन पहुंचो, अभी। तुमसे अच्छा ये नौजवान है। पुलिस स्टेशन बंद करके इंटरनेट का ऑफिस खोलो। सर, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। We need some time. But I don't have time. सर, आप ही ने फोन किया था क्या? मैं वरुण हूँ। hey. ये मेरी बेटी है। हयाती, I'll kill you. Wait, excuse me. Yeah? सर, इसे मैं मिल चुका हूँ। I've met her before. कहाँ? बागा बीच के पास। देखो, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। सर, मैं उसे लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 70 लाख चाहिए। hey, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ और तुम हो कि 70 लाख पे अटक गए हो। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। 2 करोड़। मैं उसे लेकर आऊंगा सर, मैं उसे लेकर आऊंगा। देखा, टाइम चाहिए, टाइम। सीखो इस। ए हीरो, क्या हुआ? क्या टेंशन है रे? मैंने किसी की बेटी को बचाने का प्रॉमिस किया है, लेकिन उसे किडनैप करने वाली गैंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ मैं। इतनी सी बात? मैं हूँ ना, निकालता कोई सोल्यूशन। रुको, ए ओरिजिनल रजनी, डुप्लीकेट रजनी को कुछ आइडिया दो। हाँ, आइडिया की बत्ती जल गई। हम बागा बीच पर एक सेक्सी लड़की को भेजेंगे, सेम प्लेस जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। यहाँ का अरम्बोल बीच सबसे डेंजर जगह है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़की किडनैप होती है। इस बार हम उसका पीछा करेंगे और पकड़ लेंगे। कैसा लगा आइडिया? इतनी जल्दी सेक्सी फिगर काम? ये सोचने का टाइम नहीं है हीरो, लड़की ढूंढो। ये तो आंटी लगती है। भैया, क्या हुआ रे? इस ऑपरेशन के लिए हाँ आपकी गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे ना, हर बार मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाते हो? इस देश में इतनी आबादी है, मुझे क्यों पकड़ते हो? किस मनहूस घड़ी में तुमसे मुलाकात हुई थी? हे भगवान, कहाँ फंस गया? प्लीज प्लीज भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। सुनो ना रजनी। बोलो डार्लिंग। आई लव बिकिनी। इस बीच पे तुझे बेवॉश शूट करना है। आइस फ्रूट खा अपना।
समंदर में एक और शोला भड़क रहा है भाई। ये क्या कर दिया मेरी नयन तारा को, भूखे भेड़ियों के सामने बकरी बिकिनी बनाकर भेज दिया। चुप। भाई 20 की गिनती में अब सिर्फ एक लड़की कम है, एक और हाथ लग जाए तो कंसाइनमेंट भेज सकते हैं। उससे कंसाइनमेंट पूरा हो जाएगा? हाँ भाई। ठीक है, मेरी वाली को उठा लो और भेज दो। इस रैकेट का बॉस मकरंद है ये मैं जानता हूँ। तुम लोग लड़कियों को कहाँ रखते हो? आई डोंट नो। यू डोंट नो? आई नो। कहाँ पे? आइलैंड। कितना दूर है? बहुत दूर है। बोट से जा सकते हैं? जा सकते हैं। चल चल। हाय भाभी आई है। शायद तुझे अंदाजा नहीं यहाँ क्या चलता है। जलपरियों को एक्सपोर्ट करना ही मेरा मेन बिजनेस है। लगे हाथों तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। किसी एक्सीडेंट की वजह से तेरे बाप की यह हालत नहीं हुई। ये मैंने किया। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाय बाय, कमर पकड़ो ना। भाई किस करो ना, किस करो ना, इमरान हाशमी की तरह किस करो। ए कौन है रे? ए देख जरा, उधर देख। अरे उस तरफ कोई मिला क्या? देखो यहां क्या, कोई नहीं यहां पर। उधर जाके देख, उधर देख। अरे रे मिला कोई यहां पर? भी कोई नहीं है। मार दिया। कहां साले तू? तू यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तेरा हिसाब क्लियर करने आया था, लेकिन अब तुझे इस दुनिया से ही क्लियर करने वाला हूँ। किसको मारेगा बे? किसको मारेगा? साला कान के नीचे एक बजाऊंगा ना, 3 कलर का पसीना निकलेगा तेरे से साला। बहुत हो गया, अभी तेरे को एक शॉक ट्रीटमेंट देता हूं। देख, साला मेरे को मारता। देख ले इसे, आखिरी बार देख ले, अपने दिमाग में फ्रेम बना ले इसकी। छोड़ दे उसे। तेरी इतनी हिम्मत।
खत्म। धीरे धीरे तुझ पे इसका असर होगा, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। असर होने से पहले तू मर चुका होगा। अब कोई फायदा नहीं, तुम हार चुके हो। गेम क्या वो मर गया? नशे में कुछ समझ में नहीं आया, उसे चोट लगी है नहीं। अगर वो उठ गया तो समझ जाना कि नहीं मरा। इतना अजीब क्यों लग रहा है? आई लव यू हाथी, सॉरी आया थी। कल शाम 7 बजे तुम्हारी स्विट्जरलैंड की फ्लाइट है, वहाँ से लंदन एक हफ्ता, पेरिस एक हफ्ता और उसके बाद नियाग्रा फॉल्स। दिस इज योर हनीमून ट्रिप। कैसा हनीमून सर, शादी भी नहीं हुई है। देखो टिकट्स कैंसिल कराना बहुत महंगा पड़ेगा, वहाँ टाइम मिले तो शादी भी कर लेना या यहाँ आकर शादी कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। स्विट्जरलैंड का आइडिया किसका था? प्रकाश राज अंकल। उसका काम पूरा हो गया इसलिए तुम्हें इतनी बेहुदा बोरिंग जगहों पर भेज रहा है। इसी समय हनीमून ट्रिप कैंसिल करके सीधे अफ्रीका आ जाओ। गुरुदेव, उम्र भर जिप्सीज वाली जिंदगी जी है मैंने, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। हो सके तो मुझे आपके मंदिर में एक छोटी सी नौकरी दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। अपना मुंह बंद रखोगे? मेरे नाती नातिन कैसे होंगे, उस टेंशन से मरा जा रहा हूं। ओके ओके अंकल, कांग्रेट्स, पापा दीदी का बेटा हुआ है। वो सब जाने दो, मेरी शेड का है ना। आपके हेयर डाई का कलर का है? बिल्कुल ओबामा लगता है। ये सब तो होना ही था, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। अरे गुरुदेव टेंशन मत लीजिए, अगली बार बेटी को बेटी पैदा होगी जो बिल्कुल आपकी बेटी की तरह गोरी होगी। अगेन कांग्रेट्स अंकल, ट्विंस हुए हैं। ट्विंस? इस बार लड़की हुई है। पापा ये वाली तो बहुत ही क्यूट है। क्यूटनेस को मारो गोली, ये बताओ कलर कैसा है? ये बिल्कुल टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स की तरह लगती है, एकदम ब्लैक, सेम टू सेम। फूटे करम, फूटे करम। गुरुदेव दुखी मत होइए, रंग मत देखिए, दिल देखिए, आपके कृष्ण भगवान उनकी रक्षा करेंगे। ये सब कुछ मेरे सांड जैसे दामाद की वजह से हुआ है, इसमें कृष्णा क्या करेंगे, अब कहां मुंह छुपाऊं। सब ठीक हो जाएगा गुरुदेव, गॉड इज ग्रेट। यूज़लेस फेलो।